अस्सलाम वालेकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि एक दिन में बहुत सारी गुड न्यूज आपको सुनने को मिले, और ये पहली बार हो रहा है जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है कि यूएई ने बहुत सारी अच्छी खबरें एक साथ शेयर की हैं, जैसे कि ने मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर आपके साथ मुख्तलिफ गुड न्यूज शेयर की है। तो यहाँ पर आपके साथ एक और अच्छी खबर शेयर करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मास्क के ऊपर जो पाबंदी थी उसको खत्म होने के हवाले से आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा, रैपिड टेस्ट जो होता था। इसके अलावा अबू धाबी में एंट्री के हवाले से आपने सुन लिया होगा, ग्रीन पास और मुख्तलिफ किस्म की बाकी जो सख्तियां थी उनको 1 मार्च से खत्म करने का जो ऐलान किया गया है वो आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है, इतिहाद एयरवेज की तरफ से भी ये अपडेट आई है और एयर इंडिया की तरफ से भी ये खबर सामने आई है कि आप जो अपना नॉर्मल पीसीआर टेस्ट करवाते थे यूएई में ट्रेवल करने के लिए या यूएई से वापस जाने के लिए जब आप अपना पीसीआर टेस्ट करवाते थे, तो उसकी पाबंदी को भी अभी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ पर जाने के लिए आपको वो दूसरी कंट्री का, जिस कंट्री से आप ट्रेवल कर रहे हैं उसकी आरएडी पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं थी। वहां उस एयरपोर्ट में पहुंचकर आपके कोई भी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं चेक की जाती थी। तो अभी इतिहाद एयरवेज की तरफ से यहां पर जो खबर सामने आई है इसमें ये चीज बताई गई है कि अभी आप अगर इतिहाद एयरवेज से ट्रेवल करके किसी कंट्री में जाते हैं तो इतिहाद एयरवेज की जो नई ट्रेवल गाइडलाइंस हैं, जो नई अपडेट है, उसमें अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में ये बात बताई गई है कि जिस कंट्री में आप पहुंचते हैं, यानी आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अगर वहां के लिए पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट है तो फिर आप लाजमी अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं। यानी दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वैसे तो पीसीआर टेस्ट की जो पाबंदी थी उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंट्रीज ने ऑलरेडी इसको खत्म करने का ऐलान कर दिया था। यूएई से अगर आप जाते हैं या आप यूएई में किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, तो आपको ये देखना है कि जिस कंट्री में आप पहुंच रहे हैं, जो आपका आखिरी स्टॉप है, वहां आपके पीसीआर टेस्ट की चेकिंग ना हो, वहां जरूरत ना हो। अगर वहां जरूरत है तो फिर आप ट्रेवल से पहले अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं। अगर आपकी आखिरी डेस्टिनेशन में उस चीज की जरूरत नहीं है तो फिर आपको पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए ये चीज खत्म कर दी गई है। लेकिन आपको साथ में ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि इन तमाम सहूलतों से आप तब ही फायदा उठा सकते हैं जबकि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, आपने 2 वैक्सीन लगा ली हो, WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन आपने लगाई हो, या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री की अप्रूव्ड वैक्सीन आपने लगाई हो, और अगर 2 वैक्सीन पूरे होने के बाद 6 महीने हो चुके हैं तो आपने तीसरी डोज भी लगा ली हो, तब ही आप इन तमाम पाबंदियों से बच सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।